एग इस चलो देखते हैं एक और टेस्ट है ये टेस्ट में हम लोगों ने वी एफ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि वी एफ बनाना है तो इसमें आप क्या काम कर सकते हो ठीक है सबसे पहला काम अगर आप चीज़ों को बना दो ठीक है किसी भी चीज़ को बना तो उसमें सबसे पहला काम क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ को आपको पकड़ना है वो बेसिक बेसिक चीज़ क्या होंगी जैसे आपने यहाँ पर थ्री डी बिल ऐड दे रखा है तो कुछ टाइपोग्राफी तो ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए यहाँ पर समझ समझो ना वो टाइपोग्राफी अगर आपका अट्रैक्टिव नहीं है तो वो चीज़ बहुत बढ़िया बहुत मैनेज नजर नहीं आएगा ठीक है अभी देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हम आप देखें यहाँ पे अभी यहाँ से हेलीकॉप्टर आया हेलीकॉप्टर आके उसका पंखा स्लो हो गया है बंद हो गया है छोटी छोटी चीज़ को पकड़ोगे तो यहाँ पर चीज़ नजर आएंगी ध्यान से देखोगे अगर आप यहाँ पे ठीक है यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है देखो अभी यहाँ से यहाँ तक में देखो चार सेकंड तक अब मैं बोलो तीन से चार सेकंड तक आपका कुछ नहीं आ रहा तो अगर आप कोई भी ऐड बना रहे हो तो किसी भी ऐड में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा ऑडियंस को ज़्यादा वेट ना करना पड़े अभी यहाँ से जो आपने किया ये ऐसा हो सकता था कि ये स्टार्टिंग से ही कुछ आपको एंट्री करता हुआ नजर आए तुम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते थे या कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे मैंने क्लॉथ से कुछ दिखा दिया हो कि मेरे साइड में यहाँ पे कुछ क्लॉथ एनिमेट हो रहा है या जैसे मान लो यहाँ पे कुछ एक आपने बैनर दिया है वो बैनर ऊपर से खुल रहा है ठीक है तो क्या होगा कि आपको एनिमेशन का थोड़ा तो सा टाइमिंग समझना पड़ेगा क्या जब आप किसी भी चीज़ का ऐड बना रहे हो तो ऐड में अगर मान लो मैंने जैसे मैंने एक ऐड बनाया और मेरे पास दो सेकंड तीन सेकंड चार सेकंड तक तो ब्लैक ही है और आपका जो अगर ऐड है उन्नीस सेकंड का उन्नीस सेकंड में से दो तीन सेकेंड आपका ब्लैक है तो वो कहने की वो निगेटिव इम्पैक्ट देगा इट मीन्स वाट कि अगर आप चीज़ों को बना रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से कुछ दो जैसे देखो आप दिख रहे हैं एक सेकेंड दो सेकेंड तीन सेकेंड तक आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है फिर चार सेकंड के बाद आपको इसको दिखाया कि हेलीकॉप्टर से एक टेक्स्ट को लेके आपको यहाँ पे लेके के आ दो ठीक है अभी टेक्स्ट को ऊपर से नीचे लेके आओ तो उसमें एनिमेशन का भी ध्यान दो क्या जब हम लोग कोई एक ऐड बनाते हैं तो ऐड कैसा होता है कोई टेक्स्ट ऊपर से नीचे गिर जाए तो थोड़ा बाउंस हो या थोड़ा वेट लगे या थोड़ा हैवी गिरे वो भी एक पार्ट है ठीक है तो देखा जाए तो देखो टेक्निकली आपने चीज़ों को एक नॉर्मल चीज़ों को फुलफिल किया लेकिन टेक्निकली आप देखा जाए तो इसमें एनिमेशन में काफ़ी दिक्कत हम्म वो चीज़ को हमें देखना पड़ेगा फिर अगर आप फ़ैन को देख रहे हो तो फ़ैन के तो क्या फैन यहाँ पर स्लो होकर चला गया तो या तो आपने फ़ैन के एनिमेशन पर ध्यान नहीं दिया hmm? क्योंकि जब आप किसी को भी आप काम दे रहे हो तो वो क्या बोलेगा वो नोट करेगा भाई अभी हमने देखा भाई दो तीन सेकंड तक नहीं आया यहाँ पे पंखा आ रहा है पंखा अभी जब हेलीकॉप्टर आ रहा है उसका फ़ैन स्लो नहीं होता है मतलब चल रहा तो तेज चल ही रहा होता है ठीक है तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा जैसे अगर मैं ऐड करता हूँ कोई भी रील का तो किसी भी रील में पहले टाइपोग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो टाइपोग्राफी अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो तो कहने का वो कहेंगे साउंड देगा क्या क्योंकि देखो अभी ये एडवर्टाइजमेंट का मार्केट है आप किसको दिखा रहे हो तो वहाँ पर कैसा होगा कि आपको देना पड़ेगा भाई मस्ट बस मेरी टाइपोग्राफी अच्छी हो तो मैं टेक्स्ट अच्छा सा लूँगा अब जहाँ तक मुझे लगता है तुमने तो बाइटवेल जैसे टाइप करके लगा दिया है है ना वो चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा ये ग्राफिक में भी आता है थ्री में भी आता है टाइपोग्राफी हर जगह आपका थोड़ा सा तो बेटर रहता है कि टाइपोग्राफी आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो कर सकते हो दूसरी एक प्लस पॉइंट बोलूँगा कि आपने कलर दे रखा है किस ऑलराउंड कलर दे रखा थो, तो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है दिस इज़ गुड एक प्लस पॉइंट भी है hmm? तो टाइपोग्राफी में तो आपको मैं आपको बोलूँगा टाइपोग्राफी आपको नीड है इम्प्रूव करने की दूसरी चीज़ें आपने इसमें कुछ और एलिमेंट भी था जहाँ तक जो आपको टेस्ट में दिया था मैंने उसमें कुछ चीज़ें और भी थी कुछ एलिमेंट्स और भी थे जो उसमें आपने ऐड ऑन नहीं किए कि जैसा आपका टेस्ट था टेस्ट के अंदर मैंने आपको देखा था इसमें टेस्ट में आपका कैसा तो टर्न में आ रहा था और टर्न में आपने नहीं किया ठीक है कुछ एयर बलून्स थे वो आप, आपने तो सर यूज़ नहीं किए हाँ उसके जगह कुछ ऐसा हो सकता है कि आप क्लॉथ में यूज़ कर लो तो बेटर हो सकता है ठीक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है शायद फिफ्टी परसेंट ही टेस्ट किया है सिर्फ टेक्स्ट को ही एनिमेट किया है टेक्स्ट एंड टेक्स्ट एंड आपका हेलीकॉप्टर वाला पार्ट है थेक्ष्� है ना अगर आपने यहाँ आप पर देखो यहाँ पर कुछ आपने वो एनिमेट नहीं किया कोई टेक्स्ट एनिमेशन इसके सिवा नहीं है ऑडिट एयर एयरबलून्स कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाए इसके सिवाय अगर मैं बोलूं कि चलो एयर बोलूस पर हमें नॉर्मली जस्ट दिखाना था कि भाई कुछ ऐसा हो जहाँ पर हम लोग कुछ दे सकते हैं हाँ जगह कुछ आपने वो किया है बैनर्स लगाए हैं ठीक है थीके? वो चीज़ लेकिन उसमें भी कुछ एनिमेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है है हाँ ना तो अभी वो अभी जैसे आपने जो भी काम किया उसमें वो चीज़ें विजुअल होना चाहिए लेकिन वो विजुअल नहीं है अगर आपने प्ले ब्लास बना के भेजा है उसमें अगर विजुअल नहीं है इट मीन शॉर्ट कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा तो सा नेगेटिव जाएगा क्या ऐसा होता कि थोड़ा तो सा लहरा रहा होता या ऊपर से खुल रहा होता ठीक है वो लाइक आप उसको कैसे भी मैनेज कर सकते हो ठीक है तो ये क्या इन सब चीज़ों को नोट करोगे ना तो क्या होगा आगे के लिए अच्छा होगा क्या कि आपने कोई चीज़ किया तो देखो अभी मेरे पास गिन चुन के एक और दो ही एनिमेशन आ रहे हैं मैंने आपको जहाँ तक अगर मैं काउंट करके दूँ एक राउंड एनिमेशन है दूसरा बलून एनिमेशन है तीसरा ये हेलीकॉप्टर एनिमेशन है तीन एनिमेशन मैंने अगर आपको दिए तीन में से अगर आप एक कर रहे हो तो अगर कहा जाए अगर तीनों एनिमेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ सेम चीज़ अगर मैं कहूँ जब हंड्रेड की बात कर दो थर्टी थ्री से डिवाइड कर दो है ना तैतीस तैतीस हो जाएगा तो दो तो आपने किया ही नहीं है तो घूम फिर के अगर मैं आपको बोलता तो आपने एक पे काम किया जिसमें आपका हेलीकॉप्टर का एक एनिमेशन आपने जो दिया है और उसमें भी ऐसा है कि उस टेक्स्ट के अंदर वेट थोड़ा सा मुझे लगता है कि चाहिए था जो ऊपर तो से लगे तो थोड़ा तो वेट लगे तो फास्ट आके गिरे या अगर ऊपर गिर रहा तो, तो बाउंस होकर दिखे थोड़ा तो सा कुछ बेसिक एनिमेशन का प्रिंसिपल लगा दोगे तो चीज़ें बेटर देखेंगे ठीक है तो आई सजेस्ट कि मैं आपको तीन साढ़े तीन ही नंबर इसमें मैं दे पाऊँगा